मिलनी चाहिए। ये अशोक दयाराम रस्तोगी ने कंप्लेंट भले ही वापस ले ली हो, भले ही कंप्लेंट वापस ले ली हो, लेकिन मामला भ्रष्टाचार का यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। मामला भ्रष्टाचार का यहाँ से शुरू होता है कि भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और एक मायने में उस कंप्लेन लिया जाना भी भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है कि उसको पैसा रिटर्न दिया गया, इसके लिए कंप्लेन ली गई है, नहीं तो शायद कंप्लेन नहीं ली जाती। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों कल मैंने अपने चैनल पर एक खबर लगाई थी। खबर थी एक अशोक दयाराम रस्तोगी नाम के व्यक्ति की, जिसका ऐसा आरोप था कि वसई विरार महानगर पालिका में फिरती हाथ गाड़ी परवाना बाबत उस परवाने के लिए उससे 10,000 रुपया लिया गया था। ये खबर मैंने कल लगाई। उस खबर के लगने के बाद में महानगर पालिका तक का तक खबर पहुंची और मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किया गया कि ये खबर मैं हटाऊं, तो बोले कि ये सब चीज़ जो है वो बराबर नहीं है। बोला ठीक है, तथ्य देखेंगे और भी तथ्य इसके बारे में संभाला जाएगा, तथ्यों का निचोड़ निकाला जाएगा। फिर आज मैं वैसे ही प्रभाग आई में गया था। वहाँ प्रभाग आई में जाने के बाद में परवाना बाबत हाथगाड़ी बाबत जो बाजार करके अधीक्षक है उनसे मिला, उनसे बातचीत हुआ, और अशोक दयाराम रस्तोगी ये जो बंदा है ये भी वहाँ पर आया मेरे जाने के बाद में। ये आया, फिर उसने वहाँ पर आके अपनी शिकायत वापस ली। ये शिकायत वापस लिए जाने का उसका पत्र है, उसने शिकायत वापस ली और ऐसा उसने बोला है। उसका बाइट भी मैंने लिया है, आपको आगे वीडियो में देखेंगे आप। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ अलग चीज़ें समझ में आएगी, अलग तथ्य समझ में आएंगे। इसके लिए इस वीडियो को मिस मत करना, पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में पहले मैं आपको दिखाऊंगा कल जो इसने अशोक दयाराम रस्तोगी ने कल के बाइट में जो कुछ कहा था वो वापस दिखाऊंगा मैं आज, और आज जो इसने बयान दिया वो भी दिखाऊंगा। आज जो बयान दिया उसमें उसकी ज़बानी आप सुनेंगे ही, लेकिन इतना बता देता हूँ कि उसने ये कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नाम के हिसाब से, और मैं अपनी कंप्लेन लेता हूँ। मैंने आपको अभी ये भी दिखाया है कंप्लेन का, आप देख सकते हैं। उसने कंप्लेन महानगर पालिका में से ले ली। अब चूंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरा काम है जनता के सामने महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को उजागर करना, और किसी भी इंसान को अन्याय से बचाना, उसके साथ उसको न्याय दिलाना। तो मुझे इस सब चीज़ में कुछ संदेह नज़र आया और मुझे लगा कि शायद हो सकता है इस अशोक दयाराम के ऊपर प्रेशर किया गया हो। तो मैंने बाद में अशोक दयाराम रस्तोगी का मैं बाइट लेने के बयान लेने के बाद में जब वहाँ से निकल गया तो उससे फ़ोन पे मैंने बात की, और फ़ोन पे बात मैंने की तो उसने फ़ोन पे क्या कुछ कहा वो इम्पोर्टेंट था। मेरे फ़ोन के ऊपर उसने, मेरे द्वारा फ़ोन किए जाने के ऊपर, फ़ोन के ऊपर उसने पूरी बात की सच्चाई बताई। वो ऑडियो भी मैं आपको आगे वीडियो में सुनाऊंगा। तो आप एक बार पहले देखिए ये वीडियो जो उसने अपनी बाइट में कहा है, और जैसा मैंने कहा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा, भ्रष्टाचार का ये जो पूरा मामला है आपको समझ में नहीं आएगा। तकलीफ सर, जो हमको लाइसेंस नहीं मिला, लाइसेंस हमारा जो है ले लिए हैं, और जो है 10,000 रुपया लिए थे, बाथरूम के अंदर जाके लिए हैं। कब की बात है ये, कब हुआ था ये सर? जब लॉकडाउन चालू हुआ था तभी तो है, जो गाड़ी लोग उठा रहे थे तो उसी में मैंने लालच में ले लिया था। आपने पैसा किसको दिया, कब? आपके पास कोई ऐसा सबूत है पैसा दिया उसका? जी सर, सबूत तो 22 तारीख के बाद में मैं घर गया, जब उसके बाद में। तो आपने जो आप हाथ गाड़ी लगाना चाहते हैं? जी सर। उसके बारे में लाइसेंस का कहाँ पूछताछ किया था? किसने आपको बोला कि लाइसेंस मिलेगा, हम आपको लाइसेंस देंगे, ये बात किससे हुई जाती? विशाल से। कौन विशाल? विशाल जो काम करते हैं वहाँ ऑफिस में। अच्छा, और आपका ऐसा कहना है कि आपने 10,000 रुपये दिया? जी। ये कब की बात है? अब सर, जब लाइसेंस मेरे को ला के वो करवा के दिए हमको, तो वहाँ ले जाके बाथरूम में मेरे से पैसा 10,000 लिए हैं, फिर रिनो करवाया तो फिर भी 2,000 लिए हैं।
आपको लाइसेंस दिया गया एक बार? लाइसेंस दिया गया तो लाइसेंस ले लिए। फिर ले लिया, फिर रिन्यू होने के बाद आपको लाइसेंस मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, लाइसेंस किसके नाम का है? लाइसेंस दूसरे नाम से, जायसवाल के नाम से। तो आपको ये नहीं पूछे कि मुझे मेरे नाम का क्यों नहीं मिला? वो बोले चलेगा, तुम टेंशन मत लो, आदमी है नहीं। अच्छा, आप बताएंगे ये आप जो आपने कहीं शिकायत की है इस बारे में? नहीं सर, मैंने किया। वो धमकी दे रहे थे, बोलते हैं पैसा भी नहीं दिए मेरा, और बोलते हैं बहन चोद मारेगा साले भोसड़ी वाले। सूरज जायसवाल के नहीं, वो कह रहे थे अशोक रस्तोगी। जी सर, मैंने कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। किस वजह से कंप्लेंट वापस ले रहे हो? इसलिए कि जो है जिसको पैसा दिया था वो विशाल नहीं था, वो गांव का हमारे था। वो अभी विशाल के नाम से मैंने अर्जी दिया था तो लेके पैसा गायब हो गया है, और मैंने जो चाहा तो हुआ नहीं। वो विशाल गाँव में है और ये विशाल के नाम से है, ये रोज डेली जाते थे मार्केट में, इसीलिए जो है मैंने इनको समझ के इनको नाम पर कंप्लेंट कर दिया सर। सच्ची से बोल रहे हो कि कोई दबाव है तुम्हारा? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ, जवाब नहीं। तो एक दिन पहले तुमने इस चीज़ की क्यों पूरी जानकारी नहीं ली और ऐसा गलत बयान दिया? जी सर, मेरा गलती था, क्या करूँ, अभी गरीब आदमी मैंने जो फंस गया था, इसीलिए मैंने इनके नाम पर कंप्लेंट दे दिया था। और जो बाकी मेरे को क्या मालूम था कि वो गाँव वाला मेरा पैसा लेके भाग जाएगा, बस यही प्रॉब्लम था सर। इनके नाम से नाम पर अभी कंप्लेंट किया क्या तुमने? नहीं नहीं सर, उसका नंबर फंबर नहीं, वो आता नहीं है बम्बई। अब जब से लॉकडाउन खलास हुआ तब से वो आता ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अभी सर बस इसी पे मैंने निरस्त कर दिया, ना वो आगे मेरे कार्रवाई करना, ना वो मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे कुछ, बस। वो तुम्हारे ऊपर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? नहीं सर, मान लो जैसे कोई दबाव डालें और कुछ करें तो वही अब प्रॉब्लम ना हो मेरे पास। मैं तो कंप्लेंट वापस ले लिया हूँ। वो दिखाओ कंप्लेंट वापस लेना। कंप्लेंट तो सर लाए नहीं है। क्या ये वही कंप्लेंट है? जी सर, ये अर्जी आप इस अर्जी में आपने कंप्लेंट वापस लिया है? जी सर। कभी दिया है ये अर्जी? ये अर्जी आज दिया, अर्जी आज नहीं दिया हो, अर्जी तो दिया था 4-5 मिनट के पहले, और जो आज कंप्लेंट ले रहा हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो अशोक दयाराम का दोनों वीडियो देखा होगा, कल का भी और आज का भी। अब आपको मैं उसका आज का ऑडियो रिकॉर्डिंग जो फोन पर बात हुआ है वो सुनाता हूँ। हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं बोल रहा था अभी तो मैटर खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे को बताओ, हकीकत बताओ, हकीकत क्या है? जी हकीकत सर यही है कि मेरे बच्चे, देखिए मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं धंधा करता हूँ, लालच में आके मैंने लाइसेंस ले लिया था। देखिए सर, लालच में आके लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस दूसरे के नाम से था, वो पैसा मेरे से ले लिए थे। मैंने पैसा बीच में मांगा भी कि भाई जब लाइसेंस ले लो पैसा दे दो, तो बोले कि ठीक है दे देगा, तब नहीं दिए। तो इसीलिए जो हमने उनके ऊपर कंप्लेंट डाल दिया था, तो पैसा तो दिए लाके वो। कितना पैसा लिया था, कितना दिया था, ईमानदारी से जो भी है? सबसे बोला बिस्मिल्लाह कसम, आप सब सियासी है, मैं भी बताऊँ जी रिटर्न हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत गरीब हूँ। वो मेरे को 7,000 दिया, मेरा 7,800 लगा था, 7,000 दिया है। कितना लिया था? यानी 6,000 उसका लिया था। 6,000 तो तुम कंप्लेन में 10,000 क्यों बोले थे? एक मिनट, और जो है वो लिया था, कहा ना भाई, अरे भाई ये रिनो कराई वाला लिया था। नहीं, तुम कंप्लेन में 10,000 लिखे थे, तो 10,000 और 2,000 रिनू का लिखे थे तुम, 12,000 रिनो वाला तो दिया नहीं ना। नहीं तो तुमने कितना 10 दिया था कि 6 दिया था? मैंने उसको 10 दिया था। 10 दिया था और फिर 2 और दिया ऐसा? हाँ। तो उसने तुमको 7 दिया लाके वापस? हाँ, और देने वाला है। अच्छा, और देने वाला है। हाँ, वह बता रहा था पगार वगैरह पाएगा तो देगा। हम बोला चलो ठीक है, देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो चलो किसी गरीब को दे देना, और क्या। तो तुमको वो ये वापस पैसा क्यों दिया? तो वापस दिया इसलिए कि तुम वो मेरे नाम थोड़ी है वो। अच्छा अच्छा, हाँ वो मतलब, हाँ वो नाम से मेरे नहीं ना है, तो वो ले लिया। कंप्लेन क्यों ले लिया वापस तुमने? कंप्लेन इसीलिए लिया था, वो भी घर से मैं भी मजबूर हूँ कि इसलिए लड़के बोले कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा करोगे उसका मेरा ऐसा जाएगा, वैसा जाएगा, नौकरी चला जाएगा,
फिर गुड्डू भी बोला है, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अब मैं भी गरीब हूँ वो भी गरीब है, चलो ले लेता हूँ, नहीं तो सर मैं वापस नहीं लेने वाला था। क्या है अब मैं लेकिन तुमने क्या कंप्लेन में अभी कंप्लेन लेने के टाइम में क्या बोला, मेरा गलती हुआ वो दूसरा नाम समझ गया, तो झूठ बोले ना। तो वही विशाल ही नाम से, तो पैसा तो मेरे को देगा ना वो। नहीं लेकिन फिर कंप्लेन लेने के टाइम में झूठ क्यों बोले, ऐसा बोलते थे ठीक है मेरा कंप्लेन ये देगा ना, वो तो लेके गया जो गया वो ये देगा ना, वो सकता वो हुआ करता। अच्छा वो कौन पैसा किसने लिया था, बाथरूम में लिया तुम बोल रहे थे, बाथरूम में लिया कहाँ लिया? अरे जिम्मेदार वही था। अच्छा हाँ, वो हमारे गांव वाला तो आता कहा है, वो मैं छोड़ दिया। हाँ इसीलिए तो बोला सर, फिर सर इसी पर फाइनल कर दीजिए, देखिए वो भी मैं भी गरीब हूँ वो भी गरीब है, कर दीजिए अपना, हमको आगे जाना है ना पीछे जाना है। ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मैं भी था लेकिन गलत है ना, अभी ऐसा हो जाता है अभी मेरा इमेज खराब होता है ना, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी की मदद करता हूँ किस लिए, कि उसका उसके साथ न्याय हो, नहीं फायदा हो नुकसान नहीं, न्याय हो, नुकसान न्याय हो, न्याय हो। अभी तुम इस तरह से तुम्हारा ठीक है काम हुआ नहीं, तुम्हारा पैसा रिटर्न मिल गया, लेकिन तुम अगर ऐसा कुछ अलग बोलोगे तो बाकी लोग देखने वाले मेरे पे उंगली उठाएंगे ना। जी सर बात मालूम है, लेकिन अभी कहा जब वो उसको फोन करेगा तभी तो होगा, अभी तो दिया भी नहीं है, देने वाला है देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो अब तो झूठा बोल के कह रहा था, चलो ठीक है ठीक है, आइंदा कभी ऐसा रहे तो ध्यान रखो पहले कि जी सर। हाँ पहले कंप्लेन अगर मीडिया वीडिया में जाने का है ऐसा जाने का है ना, तो पहले सोच लो एक दो बार बात कर लो, उसके बाद में ही जाओ ताकि हमारा नाम खराब नहीं है। जी सर तो दोस्तों आपने ये ऑडियो सुना, इसमें ऑडियो में अशोक दयाराम रस्तोगी की जो मेरी बातचीत है वो आपने सुनी। अब आपको इससे क्या समझ में आता है, आप खुद अंदाज लगाइए कि वसई विरार महानगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार है। इसने ऑडियो में माना है कि इसने 10,000-12,000 रुपये दिया था, उसमें से इसको 7,000 रुपये रिटर्न कल दिया गया, और तब ये कहा गया कि तुम अभी ये कंप्लेन वापस ले लो। उस पैसे रिटर्न मिलने के बाद में इस कंप्लेनेंट ने कंप्लेन ली है, पैसे मिले, प्लस दूसरा ये कि फेरी का धंधा करता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव डर ये भी, क्या तुम कंप्लेन नहीं लोगे तो तुम्हारा धंधा उठा दिया जाएगा या तुमको धंधा नहीं करना दिया जाएगा। तो इस तरह से महानगर पालिका में कारबड़ चल रहा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि मैं सच्चाई जो है जनता के सामने ला सकूँ। मुझे भी ऐसा बोला गया कि आप वीडियो डिलीट कर दीजिए या वीडियो मत बनाइए, तो मतलब ऐसा नहीं होगा, वीडियो मेरा पहले का भी डिलीट नहीं होगा और अभी का वीडियो ये रहेगा, अभी का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें सब चीज़ सब सच्चाई दिखाऊंगा। अब आपने ये भी देखा दो वीडियो जो पहले मैंने कल लगाया था उसमें उसने क्या बोला रस्तोगी ने, आज उसने क्या बोला वो भी आपको मैंने दिखाया वीडियो में, और इन दोनों के बाद में अभी फ़िलहाल आपको मैंने लास्ट में ये रिकॉर्डिंग सुनाया जो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो इन सब के बाद में मेरी एक मांग ये है कि इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारी को सिर्फ सस्पेंड नहीं, उनके खिलाफ गुनाह दाखिल होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये अशोक दयाराम रस्तोगी ने कंप्लेंट भले ही कंप्लेंट वापस ले ली हो लेकिन मामला भ्रष्टाचार का यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, मामला भ्रष्टाचार का यहाँ से शुरू होता है कि भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और एक मायने में उस कंप्लेन लिया जाना भी भ्रष्टाचार का ही एक हिस्सा है कि उसको पैसा रिटर्न दिया गया, इसके लिए कंप्लेन ली गई है, नहीं तो शायद कंप्लेन नहीं ली जाती। आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगा और इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आला अधिकारियों तक पहुँचाइए ताकि सबको इस हकीकत की जानकारी हो, वसई विरार महानगर पालिका में क्या कुछ चल रहा है ये लोगों तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।